फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू कि आपने मुझे ये मौका दिया कि क्रैक में मैंने इतनी सारी चीजें सीखी। और अगर मैं बात करूं मेरे पर्सनों की, तो पहला क्वेश्चन ये था कि इंपॉर्टेंट स्किल्स कौन सी है जो मैं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहूंगा अभी के अभी, आज के आज। तो वो है टोनलिटी और टाइम मैनेजमेंट, और इसको इम्प्लीमेंट मैंने किया भी, एक हफ्ते पहले ये हुआ था, और इससे मुझे काफी ज्यादा फायदे भी मिले। लाइक मेरी वॉइस थोड़ी हैवी है, तो मुझे मुझे खुद को समझ नहीं आता था कि सामने वाला पर्सन कैसे रिएक्ट, मतलब ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है कि जैसे मतलब उस पर चिल्ला दिया है या कुछ कर दिया है। बट तो ये डिस्कशन मैंने मैम के साथ किया, तो मैम ने बताया कि यदि आपकी वॉइस हैवी है तो उसको आप चेंज कर सकते हो अपने जेक्सर से, मतलब आपकी वॉइस को वैसे रहने दो, आप अपने जेक्सर से स्माइली फेस करके हैंड से ऐसे मतलब मूवमेंट्स आप बता सकते हो सामने वाले पर्सन को कि आप क्या कहना चाह रहे हो और कौन से वे में कहना चाह रहे हो। तो सही ये है। मुझे, मैंने ये फर्क देखा एक हफ्ते के अंदर, और मैंने बहुत से मैटर इसने जो कॉम्प्लिकेटेड थे उनको यूं 10 मिनट, जिसमें आधा घंटा लगता था, उनको 10 से 5 मिनट्स के अंदर मैंने सोल्व भी किया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मुझमें कुछ बदलाव आए हैं। और टाइम मैनेजमेंट सर, मैं जब से वो चैप्टर हुआ है तो मैं मैनेज कर ही रहा हूँ। मैं मेरी जॉब को मैनेज कर रहा हूँ, सेशंस को मैनेज कर रहा हूँ। तो सर मैं खुद अकेला भी रहता हूँ, खाना वगैरह वो सब उसके बाद में, जब से वो सेशन हुआ है उसके बाद मैंने एक टाइम, परफेक्ट टाइम होता है वो, हर चीज को दे दिया मैंने, इतने टाइम में ये करूंगा, इतने टाइम में ये करूंगा। उसके बाद मैं, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि मैं 2-3 बजे तक सीखता था, मैंने एक टाइम मैनेज मेरा कर लिया कि इस स्पेसिफिक टाइम में मुझे यही काम करना है। तो वो टाइम मैनेज से मैं क्या, अभी मेरी सोने का जो टाइमिंग है वो 12 बजे हो गया है, वो धीरे धीरे करते करते मैं और कोशिश करूंगा कि उसको कम कर दूं, ताकि मेरी जो नींद है वो पूरी हो सके, क्योंकि एक कहते हैं ना, अच्छी नींद स्वस्थ आदमी के लिए काफी अच्छी होती है। और मैं अगर बात करूं मेरे फेवरेट पर्सन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इम्प्रेस हुआ हूँ किसी से क्रैक में, तो वो है रवि सर। मैं सबसे हुआ हूँ, बट स्पेशली रवि सर, बिकॉज ऐसा नहीं है कि बाकी जो पर्सन है उनमें वो अट्रैक्टिव नहीं थे, बट इनसे इसलिए इम्प्रेस ज्यादा हुआ क्योंकि इनका जो एक्सप्लेनेशन ऑफ वे है ना, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है जो, वो मतलब बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इनके जो जेक्सर्स है हाथ के, मतलब यूं बोलते हैं कि सामने वाला बंदा ऐसे इंप्रेस हो जाए। और ये हर चीज को इतना स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन करते हैं, इतना एक्सप्लेन करते हैं कि सामने वाले पर्सन जो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड थिंग हो वो उसके दिमाग में बैठ जाती है। और सेकेंड पर्सन है मेरे जिसे मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ, वो है उषा राजेश। उनका भी वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत ही सही है, बहुत ही सही। मैंने पहली बार ऐसा इतना काम हम्बल पर्सन देखा है मेरी लाइफ में। मैंने शायद लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाला था उनके बारे में। और अगर बात करें मेरी कि मैं खुद को 5 साल बाद कहाँ देखता हूँ, मैं खुद को कैट कंपनी में एक बिग इंजीनियर के रूप में देखना चाहूंगा, न्यूक्लियर इंजीनियर के रूप में। फैंटास्टिक तो है, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे सारे वो सुन के। रवि को मैजिक आता है, वो कलकत्ता में ना पीसी सरकार के वो अटेंड करता है, तो इसीलिए वो ये कर पाता है जो कर रहा है। ऑल्सो उषा इज आर मोस्ट प्रेवलेंट ट्रेनर, सबसे ज्यादा क्लासेस वही लेती है, सेशंस वही लेती है। तो ग्रेट टू हियर एंड ग्रेट टू सी हियर अबाउट योर एस्पिरेशंस ऑल्सो।